हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की 127वीं व्यास पूजा 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ अपने संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की 127वीं व्यास पूजा के लिए आयोजित किया जाएगा। 127वीं व्यास पूजा श्रील प्रभुपाद की व्यास पूजा। जी हाँ, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये व्यास पूजा है क्या। श्रील प्रभुपाद जिन्होंने सारे विश्व में भगवान के गुण महिमा को विस्तारित किया एवं प्रचार प्रसार किया, इसीलिए श्रील प्रभुपाद को एवं गुरु को व्यास देव का अवतार कहा जाता है। इसके कारण श्रील प्रभुपाद के आविर्भाव विधि को व्यास पूजा के नाम से भी जाना जाता है। दर्शनार्थी के पश्चात गुरु पूजा एवं पुष्पांजलि का आयोजन किया जाएगा। उसके पश्चात गुण महिमा के माध्यम से श्रील प्रभुपाद का गुणानुवाद किया जाएगा। उसके पश्चात 12 बजे श्रील प्रभुपाद के लिए भोग निवेदन का आयोजन किया जाता है, जिसके माध्यम से मायापुर में रहने वाले निवासी अपने घर से सुस्वाद भोग लेकर के श्रील प्रभुपाद को निवेदित करते हैं। तत्पश्चात सभी राजभोग कक्ष में जाकर भक्तगण प्रसाद का आनंद उठाते हैं। उसके पश्चात संध्या 4 बजे से गुण महिमा एवं भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। उसके पश्चात श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए केक प्रसाद वितरण किया जाता है। तो इस प्रकार से मायापुर के सभी भक्तगण श्रील प्रभुपाद की 127वीं व्यास पूजा का आनंद उठाएंगे। हरे कृष्णा।